हाँ जी, 10th क्लास बेटा 8.4 के लिए नेक्स्ट, ये 5th का सेकंड पार्ट है, हमें इसे सॉल्व करना है। कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसमें हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हमारा आ जाएगा एलसीएम इस तरह से। यहाँ पे हमारा कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि एलसीएम में हम सॉल्व करते हैं, प्लस या जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस तरह से आया है एलसीएम में आपको पता ही है। ये टर्म को, ये वाली पूरी टर्म को इसे डिवाइड करते हैं, ये चीज डिवाइड हो जाएगी, कॉस जो है ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन साइन 1 प्लस साइन का स्क्वेयर बन जाएगा। अब सामने पता चल रहा है कि इसका स्क्वेयर जो है वो ओपन होना है, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab, मतलब 2 sin a एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, हम जानते हैं कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर ए, ये होता है 1। ठीक है, इसको आप पहले एक स्टेप में इकट्ठा लिख लो, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 का स्क्वेयर था, वो वाला 1 आया है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर, 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए ये वाला, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सीकेंट ए होता है, तो ये हमारे पास आ गया 2 सीकेंट ए, इस क्वेश्चन का आंसर है।